भोपाल में आज बीजेपी का ये महाकुंभ और ऐसे में बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भोपाल पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी यहां पहुंचे। इनसे बात की हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर ने। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारत सरकार के मंत्री और मध्य प्रदेश बीजेपी चुनाव समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर जी। सर, कार्यकर्ताओं का महाकुंभ तो हो रहा है, वोटर को लेकर क्या रुझान दिख रहा है? भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पूर्व पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन करती है। आज के दिन प्रदेश भर से लाखों कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। यह कार्यक्रम सफल होगा, अभूतपूर्व होगा और कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी जनता तक पहुंचती है। अभी जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक लोगों के पास संपर्क हुआ और अब इसके बाद जो दूसरा चरण चुनाव का शुरू होगा उसमें सब कार्यकर्ता यहां से ऊर्जा लेकर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा में कार्यकर्ताओं के मार्फत या लोगों के मार्फत जो फीडबैक मिला होगा, एंटी इनकमबेंसी फैक्टर क्या कोई चिंतित करती है ये बात? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर एलर्जी है, संगठन को लेकर दिक्कत नहीं है। नहीं, सामान्य तौर पर एंटी इनकमबेंसी जैसी कोई बात नहीं है क्योंकि एंटी इनकमबेंसी वहां होती है जहां सरकार आक्रमणीय होती है। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार अत्यंत संवेदनशील है और आज दिनांक तक लोक कल्याण के कार्य कर रही है, तो एंटी इनकमबेंसी का सवाल उठता ही कहां है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को झटका लगेगा। राहुल गांधी स्वप्न देख सकते हैं थोड़े दिन। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी लगातार मध्य प्रदेश सरकार पर हमलावर हैं, उनके बयानों को आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, ये दोनों लोग जो हैं कांग्रेस के नेता, ये दोनों के दोनों एक तौर से अप्रासंगिक हो गए मध्य प्रदेश की राजनीति में। आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं और थोड़े दिन में रिजल्ट आएगा तो मालूम पड़ जाएगा। आखिर में एक सवाल, चाहे महिला आरक्षण बिल हो या देश की नई संसद, हर एक काम की आलोचना हो रही है कांग्रेस पार्टी द्वारा। कांग्रेस पार्टी देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है कि ओबीसी विरोधी है महिला आरक्षण बिल। नहीं, कांग्रेस के पास आलोचना के लिए बचा ही क्या है, सिर्फ असत्य बोलकर जबरदस्ती आलोचना करने के मुद्दों को ढूंढ रही है। कांग्रेस मुद्दा विहीन है और कांग्रेस अप्रासंगिक देश भर में होती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष बनाने लायक हैसियत उनकी पार्लियामेंट में नहीं है, तो हम इससे समझ सकते हैं कांग्रेस की हालत कैसी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया है। प्रहलाद पटेल का कहना है कि कांग्रेस पार्टी झूठ और भ्रम की राजनीति करती है और मध्य प्रदेश की जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। प्रहलाद पटेल से बात की देवेंद्र पराशर ने। महिला आरक्षण बिल अभी पार्लियामेंट में पास हुआ, ऐसा लगा कि हाँ उसका बड़ा अच्छा मैसेज आप लोगों को जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है और बार बार ओबीसी आरक्षण नहीं दिया गया इस मसले को उठा रही है, मध्य प्रदेश में इसे कैसे देखते हैं? झूठ भ्रम और प्रोपोगंडा की पॉलिटिक्स कांग्रेस करती रही है और इसको तोड़ने का काम हमारा यही देवतुल्य कार्यकर्ता करता रहा है। हमें कोई संदेह नहीं है, कितना ही भ्रम फैलाने की कोशिश करें वो सफल नहीं हो सकते, उनका झूठ सदैव बेनकाब होगा और यही ताकत है। इसी दम पर तो मैं आपसे कह रहा हूं कि विजय सुनिश्चित है। ओबीसी फैक्टर मध्यप्रदेश में किस प्रकार का रोल अदा करता है चुनावी राजनीति में? यहां की राजनीति में पिछड़ों का नेतृत्व 2003 से है और बाकी जगह पर भी मैं कहीं कमतर देखता नहीं हूं, लेकिन हम पार्टी आरक्षण मिलेगा नहीं मिलेगा इसके पहले से उस वर्ग की लीडरशिप पर सचेत रही है सदैव, और मैं मानता हूं, मैं गर्व करता हूं कि मेरी पार्टी में इस ढंग से कभी विचार नहीं होता, लेकिन हर वर्ग में नेतृत्व है ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप लोगों के हर काम को लेकर सवाल कांग्रेस पार्टी के द्वारा खड़ा किया जाता है, जिस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में आप लोग बैठे उसको लेकर भी बहुत सारी खामियां बताई जा रही है। उनको अपने बारे में तो कुछ कहने के लायक उनके पास है नहीं, इसलिए या तो वो हमारी नकल करेंगे या हमारी आलोचना करेंगे, तीसरा काम उनके पास नहीं है। उनके पास बताने के लिए क्या है, ना तो संगठन है ना उनके कोई ऐसी नीति है, बल्कि वो नीतियों पर सदैव घिरते आए हैं। मतलब जो हमारी प्राचीन परंपरा पर जब उपहास होता है वहां कांग्रेस मौन होती है और निष्पक्षता अपने तटस्थता की ढाल लगा लेती है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। कमलनाथ जी लगातार मध्य प्रदेश सरकार पे हमलावर हैं कि सरकार कुछ भी नहीं किया, ना नौकरी दिया ना कुछ। कमलनाथ जी थके हुए नेता हैं, उनके मुंह पर भी कालिक है। मैंने खुद ने एक दस्तावेजी प्रमाण दिया था और उस पर कार्रवाई हुई है उनके ही जिले में। मुझे लगता है कि उनका सारा कुछ पूरी दुनिया छिंदवाड़ा है, समन को छिंदवाड़ा बचाने में
भारी कसरत करनी पड़ रही है। उनको 2003-04 का लोकसभा का चुनाव भी याद होगा, ठीक स्थिति याद 2023 में उनके सामने, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये मैं जिम्मेदारी के साथ कहूंगा। इस चुनाव में दिग्विजय सिंह फैक्टर को कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, उनकी प्रतिष्ठा आम आदमी में सदैव से बिगड़ी रही है। उनने कोशिश की है अपनी सुधारने की, लेकिन मैं मानता हूं कि उनकी छवि यहां पर मिस्टर भंटाडार की ही रही है और वो छवि से अभी मुक्त नहीं हो पाए हैं। आखिर में एक सवाल, जैसे आप लोग कार्यकर्ता महाकुंभ कर रहे हैं, वो बात समझ में आ रही है कि मध्यप्रदेश में बीजेपी संगठन की बहुत ताकत है, लेकिन एक चीज हर कोने से लगभग सुनाई देता है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर मुख्यमंत्री सीएम के खिलाफ, वो एक चिंता का विषय है। मुझे लगता है इनकम्बेंसी का जो पैरामीटर है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के सामने ध्वस्त है। सामूहिक नेतृत्व की बात पार्टी करती है, पहली बार हमारी 5 यात्राएं निकली हैं पैरेलल, ये हमारी संगठन की सामर्थ्य भी दिखाती है, हमारे सामूहिक नेतृत्व की सामर्थ्य भी दिखाती है। जो लोग ये चलाते हैं, मैं इतना ही कहूंगा कि शिवराज जी के बराबर परिश्रम करने वाला कोई दूसरा नेता मैंने अभी राज्य की राजनीति में नहीं देखा। मैं फिर से आखिर में इस सवाल को दोबारा पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें बीजेपी की सरकार से दिक्कत नहीं, बीजेपी की सरकार चाहिए, मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान नहीं चाहिए, ये एक चिंता का विषय है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ। ये भ्रमित करने की कोशिश है, मैंने कहा ना कि जो प्रोपोगंडा होता है, ये कांग्रेस की तरफ से चलाया हुआ वो है, वो प्रोपोगंडा है, इसे प्रोपोगंडा के अलावा कुछ और नहीं मानता। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी भोपाल पहुंचने वाले हैं। महिला आरक्षण बिल के पास हो जाने के बाद ये पहला बड़ा कार्यक्रम है, इसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे। बीजेपी महाकुंभ में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी पहुंच रही हैं। महिला कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे पीएम मोदी को धन्यवाद देने के लिए यहां पर आई हैं। हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ की एक रिपोर्ट देखिए। मोदी का ये मेगा शो पहली बार महिला आरक्षण विधेयक के पास होने के बाद देश में होने जा रहा है। यही वजह है कि मातृशक्ति जो आदि आबादी है, नारी शक्ति, वो यहाँ पर दिखाई देगी। पूरा जो इलेक्शन कैंपेन है मध्य प्रदेश का, वो साफ तौर पर अब इस बात पर केंद्रित हो गया है कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी। यही वजह है कि आप लाखों की भीड़ यहाँ पर देख रहे हैं। ये तमाम कार्यकर्ता जो हैं, ये कार्यकर्ता आज इकट्ठे हुए हैं मोदी को यहाँ पर, मोदी से जो जीत का मंत्र लेने के लिए। यह तमाम जो महिला शक्ति है वो अभिनंदन करेगी, जो नारी शक्ति को 33% आरक्षण मिला है। यही वजह है कि आप यहाँ पर भीड़ देख रहे हैं। तकरीबन बीजेपी ने 10 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड कार्यकर्ताओं को के यहाँ पर जुटने की बात कही है और ये जन सैलाब आपको दिखाई दे रहा है। यह बेहद महत्वपूर्ण दौरा इसलिए भी हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि महज अगले हफ्ते या एक हफ्ते बाद आचार संहिता लागू होनी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आकर न केवल नारी शक्ति को जो आदि आबादी है आरक्षण दिया गया है मंच से, न केवल उसके बारे में बताएंगे बल्कि मध्य प्रदेश की तमाम उन योजनाओं को जिसके जरिए महिलाओं को, आदि आबादी को तमाम तरीके के जो फायदे हैं वो मिले हैं, चाहे जो लाडली बहना योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, तमाम योजना है। यही वजह है कि आज की ये जो रैली है मोदी की, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इस महत्वपूर्ण रैली में गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ साथ किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये कोशिश करेगी बीजेपी कि उनकी योजनाओं का किस तरीके से क्रियान्वयन किया है मध्य प्रदेश सरकार ने, जिसके चलते बड़ी संख्या में ये जो लोगों का हुजूम है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चारों तरफ अगर आपको देखा जाए तो एक उत्सव का माहौल दिखाई देगा। कहा भी जाता है कि चुनाव एक उत्सव होता है और ये तमाम लोगों की भीड़ आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रही है वो इकट्ठा हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जीत का मंत्र लेने के लिए, इन चुनाव में किन मुद्दों को लेकर उतरना। और तमाम लोगों की जो ये भीड़ है, ये तमाम लोग जो है ये रजिस्टर्ड कार्यकर्ता है बीजेपी के। हर बार इस तरीके का जो महाकुंभ है, कार्यकर्ता महाकुंभ है, ये बीजेपी चुनाव से एन पहले करती आई है। ये चौथा महाकुंभ है, 2008, 2013 और 2018 के बाद चौथा महाकुंभ है जो दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर होता है। लोगों का ये हुजूम लगातार आप देख रहे हैं, जिनका मकसद यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एन चुनाव से पहले क्या जीत का मंत्र भरते हैं, क्या शंखनाद करते हैं, जिसके चलते 5वीं बार जीत की ध्वज पताका कम से कम यहाँ पर फहराई जा सके। तमाम महिलाएं यहाँ पर दिखाई दे रही है।
हम उनसे बात भी कर लेंगे यहाँ पर। आज मोदी जी को हम धन्यवाद देने आए हैं, महिलाओं के लिए उन्हें 33% आरक्षण जो दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम सब मोदी जी को देखने आए हैं यहाँ। मोदी में ऐसा क्या है जिसके लिए आप लोग? मोदी जी भगवान का रूप है, मानिए आप। आज महिलाएं सब मोदी जी के लिए, सारा देश पूरा मोदी जी के लिए खड़ा है, इसलिए मोदी जी है ना। आप सुषमा चौहान जी बताइए क्यों आए? हम आए यहाँ महाकुंभ में डुबकी लगाने आए, कार्यकर्ता महाकुंभ में डुबकी लगाने आए, मोदी जी का धन्यवाद देने आए, उनका आभार व्यक्त करने आए। उन्होंने जो महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है और हमारे देश को जो आगे बढ़ाने का काम किया है देश के मुखिया के रूप में, इसीलिए उनको हम धन्यवाद दे रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बहुत आभार। क्या है ऐसा मोदी जी में जिसके लिए आप लोग आओ? क्या किया है मोदी ने ऐसा? जो मोदी जी में है वो किसी दुनिया के किसी इंसान में नहीं है, वो विश्व गुरु है। अच्छा। वो योगी है, वो तपस्वी है, वो देश के मुखिया, देश चलाने लायक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।